हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी हब पे। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है जो कि नंबर सिस्टम का पार्ट है। यहाँ पे मेरा है टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि हमको शेषफल निकालने का थ्योरम। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बताएंगे आपको, ठीक है, कि कुछ भी नंबर रहेगा उसका हमको शेषफल निकालना है, यानी कि रिमाइंडर निकालना है। तो चलिए हम बात करते हैं बारीकी से। सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है, कि अगर अगर हम पाँच में दो से भागा देंगे तो कितना होगा। तो देखिए, दो से हम भागा देते हैं पाँच में, ठीक है, तो दो दूनी चार, दो चार यहाँ पे आएगा, यानी कि यहाँ पे एक एक आपका क्या आया, एक आया रिमाइंडर। क्या आया? एक आया आपका रिमाइंडर, यानी कि एक आया आपका शेषफल। अगर सिंपली इतना नहीं करेंगे तो यहीं से बोलेंगे कि पाँच है तो दो दूनी चार, यानी कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, आर कितना आ रहा है, यहाँ पे एक आ रहा है। अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा आगे और जो बढ़ाएंगे, अगर हम अगर आपको हम यहाँ पे दे देंगे कि देखिए तो कि दो गुनी दो है, ठीक है, अच्छा इसको हम तीन मान लेते हैं, ठीक है, तीन मान लेते हैं, और हम बोलेंगे कि भागा दीजिए इसको आप दो से, तब क्या हो जाएगा, देखिए तो तीन दूनी छः, ठीक है, और यहाँ पे भागा दीजिएगा आप दो से, तो क्या हो जाएगा आपका द्वितीय छः, क्या हो जाएगा, पूरा पूरी कट जाएगा आपका रिमाइंडर। यहाँ पे क्या आएगा, जो कि आर बराबर आपका आएगा जीरो, ठीक है, क्या आएगा जीरो। अच्छा, आगे अगर हम बात करेंगे, ठीक है, इसी तरह से अगर हम अब बात करेंगे, ठीक, ये तो आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा धीरे धीरे हो रहा है। अगर आपको हम यहाँ बोलेंगे कि यहाँ पाँच है, ठीक है, यहाँ पाँच है गुणे पाँच है, और आप भागा देंगे हम मान लीजिए चार से, ठीक है, ठीक है। अरे देखिए, अगर हम भागा देते हैं, जोड़ते हैं, पहले गुणा करते हैं, तो पाँच पच्चे कितना होता है, पाँच पच्चे जो होता है पच्चीस होता है, और हमको भागा देना है चार से। तो देखिए, तो चार से भागा देंगे तो कितना होता है, चार छक चौबीस होता है, चौबीस यानी कि रिमाइंडर एक बच रहा है, यहाँ पच्चीस है, तो आपका आर बराबर यहाँ पे क्या हो गया, एक हो गया। अच्छा, ठीक, अगर ऐसा ना कर कर हम, जिसे हम गुना ना कर कर, अगर हम सिंपली ऐसे करें, ठीक है, कि अगर यहाँ पे पाँच है और गुने पाँच है, ठीक, और हम भागा देंगे यहाँ से, तो यहाँ पे हम गुना ना कर कर सेपरेट सेपरेट अलग अलग इसमें भागा देंगे, और शेषफल जो आएगा वो यहाँ पे हम लिखते जाएंगे। तो देखिए, अगर हम चार से भागा देंगे पाँच में, तो चार अकम चार एक बच रहा है यहाँ पे, हम एक लिख देंगे यहाँ पे, अच्छा इंटू है तो इंटू रहने देंगे, अच्छा फिर इसमें भागा देंगे, तो चार अकम चार यहाँ कितना बच रहा है, फिर बच रहा है मेरा एक। तो देखिए, तो क्या क्या बच रहा है मेरा, तो एक गुने एक बराबर क्या हो जा रहा है, अगर एक गुने एक करेंगे तो कितना आएगा, एक ही ना आएगा, तो आपका रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ रहा है, एक ही आ रहा है। तो क्या इसमें इसमें कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। तो इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है, देखिए 50 गुने 65 गुने 99 गुना 38 दिया हुआ है, तो इसको हम सभी को गुना ना कर कर सेपरेट सेपरेट इसमें से इसमें भागा देंगे, जो रिमाइंडर आएगा यहाँ पे लिखते जाएंगे, फिर इसमें भागा देंगे, जो रिमाइंडर आएगा लिख लेंगे, और फिर जो रिमाइंडर आएगा उसको गुना करेंगे, और फिर लास्ट में उसको देखेंगे कि इसका शेषफल क्या आएगा। तो चलिए हम बात करते हैं बारीकी से। देखिए, पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन है 50 गुना 65 गुना 99 गुना 38 और भागा हम दे रहे हैं किसे, 8 से, ठीक है। अच्छा देखिए, तो सबको हम गुना ना करके सेपरेट सेपरेट भागा देंगे, तो इसमें दी इसमें पहले 8 से भागा दीजिए 50 में, तो देखिए तो 8 छक 48 होता है, और यहाँ है कितना 50, तो इसमें कितना बच जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 2, ठीक है, अच्छा गुना है, ठीक है। अच्छा इसमें देखिए तो 65 है, तो 8 का टेबल में 8 64 आता है, और हाँ यहाँ पे कितना, तो 1, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए इसको। अच्छा इसमें से भागा दिए इसमें से, तो 99 है, तो 8 कम 8 बच गया यहाँ पे 1, 1 और यहाँ पे गया 9, यानी कि 19 हो गया, ठीक है 19 हो गया, और 19 में भागा दिए तो 8 16 और 3, यानी कि यहाँ पे कितना बच रहा है, 3, ठीक है। अच्छा इसमें भागा दीजिए तो 8 चौक कितना होता है, 8 चौक 32, 800 कितना होता है 32, और यहाँ पे है कितना 38, तो यानी कितना बच रहा है यहाँ पे, 6 बच रहा है। आगे हम यहाँ देखेंगे,
ठीक, देखिए तो क्या आ रहा है, 2 × 1 × 3 × 6 और भागा यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा, 8। ठीक है, अब देखिए तो 2 × 1 = 2, ठीक है, अच्छा 2 × 3 = 6 और 6 × 6 कितना हो गया, 6 × 6 आपका हो गया 36, अब बटे 8, अब फिर इसमें भागा दे दिए तो 8 × 6 कितना होता है, 8 × 6 होता है 32, ठीक है, और यहाँ पे है 36, यानी कि रिमाइंडर कितना आपका आ रहा है, 4, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब अगर हम दूसरा क्वेश्चन बात करें तो देखिए क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 19 × 23 × 31 और फिर है यहां पे हम भागा दे रहे हैं किसे, 8 से भागा दे रहे हैं। ठीक, अच्छा दिए तो इसको सेपरेट सेपरेट, तो 8 × 2 = 16 कितना बच रहा है यहाँ पे, 3, अच्छा 8 × 3 = 24, ठीक है, तो हमको एक काम लेना है तो 8 × 2 = 16, 16 × 4 कितना, 20 × 3 = 7 बच रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें फिर दिए 8 × 6 = 32 होता है, लेकिन हमको 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 24 हो गया, 8 × 8 = 16, 8 × 3 = 24, ठीक है, 8 × 2 = 16, ठीक है, हाँ 8 × 3 = 24, 24 × 6 हो गया इधर, और यहाँ यानी कितना बच रहा है यहाँ पे, यहाँ भी बच रहा है आपका 7, है ना। अब देखिए अब क्या हो रहा है मेरा, 3 × 7 × 7 और डिवाइडेड बाई कितना, 8, अब इसको फिर गुना कर दिए तो 7 × 3 = 21 और 21 × 7 तो 7 × 7 और 7 × 2 = 14 कितना आ रहा है, 147, और फिर इसमें भागा दीजिए, देखिए तो अच्छा 8 × 8 8 हो गया यहाँ पे, 8 × 6 = 14 होता है और यहाँ पे 67, तो 67 को भागा दीजिए 8 से तो कितना होता है, 8 × 8 = 64 बचेगा कितना, 3, यानी कि आपका यहाँ पे 8 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3। अच्छा इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे देख रहे हैं कि आप लंबा हो जा रहा है, यहाँ फिर आ रहा है, फिर यहाँ से इसमें भागा दे रहे हैं, फिर इसमें भागा दे रहे हैं, टाइम टेकिंग ज़्यादा हो रहा है ना, तो इसको हम शॉर्ट करने का कोशिश करेंगे, इसको क्या करेंगे, और भी शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो चलिए हम करते हैं। ठीक, देखिए अच्छा यहाँ पे देखिए 8 × 2 = 16, ठीक है, 8 × 2 कितना हो रहा है, 16, कितना बच रहा है यहाँ पे, 3। ठीक है, कोशिश कीजिएगा यहाँ पे कम लाने के लिए, ठीक है, कोशिश कीजिएगा यहाँ पे कम लाने के लिए। ठीक है, अच्छा 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24 है यहाँ पे कितना, 83, यानी कि एक क्या है आपका एक्स्ट्रा, यहाँ पे क्या है एक्स्ट्रा आप ले रहे हैं, 8 × 3 = 24 ले ले रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए -1, है यहाँ पे 83 और आप 24 मान रहे हैं तो कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, फिर यहाँ पे इंटू रहेगा, अच्छा 8 × 3 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 6 क्या होता है, 32, है यहाँ पे कितना, 31, तो हम 32 मान रहे हैं, 32 लेके चल रहे हैं, तो कितना एक बढ़ जा रहा है ज़्यादा, क्या हो जा रहा है, एक बढ़ जा रहा है ज़्यादा। अच्छा अब हमको क्या करना है, नीचे देखिए 3 × -1 × -1, ठीक है, अच्छा अब देखिए तो यहाँ पे -1 × -1 क्या हो जाएगा, -, -, -, -, क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ -, -, कैंसिल हो गया, अब क्या बच गया, 3 × 3 और फिर 3 × 3, यानी कि आपका रिमाइंडर कितना आया, 3 आया, जो कि क्या हुआ, बहुत ही इजी वे में निकल गया। मुझे लगता है कि काफ़ी दो सेकंड लगेगा आपको मैक्सिमम इसको बनाने में, 2 से 5 सेकंड में आपको ये बन जाएगा। अच्छा आगे हम क्वेश्चन बात करेंगे इस, अच्छा देखिए यहाँ पे हम पॉजिटिव लिए, यहाँ नेगेटिव लिए, नेगेटिव इसलिए लिए क्योंकि 8 × 3 = 24 ले लिए, यहाँ पे 83 था इसलिए नेगेटिव 1 आया। अच्छा अगर यहाँ मान लिया होता आपका 24, ठीक है, मान लिया होता 25, तो उस तरह से हमको देखना पड़ता, 8 × 3 = 24 करते, ठीक है, यहाँ पे 2 बचता प्लस में होता, तो जिस टाइप का रहेगा उस टाइप का। अगर यहाँ पे आपका होता मान लिए 22 ही और आप लेते 8 × 3 = 24 तो क्या होता, यहाँ -2 होता, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे जो कि क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या है, 625 × 627 × 629 = 15। ठीक है, अच्छा अब 1500 थोड़ा सा इसमें से भागा दिया तो जल्दी थोड़ा कीजिएगा, तो 15 × 4 कितना होता है, 60, 60 हो गया और यहाँ बचा कितना, तो देखिए तो
यहाँ पे बच गया आपका 25, तो 15 कम 15 कीजिएगा तो 10 बच जाएगा, है ना, 10 बच जाएगा। अच्छा 15 दूनी 30 कीजिएगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, -5 बच जाएगा, तो आप पॉजिटिव लेकर चलिएगा, ठीक है। हम कितना हो गया तो इसको भागा देंगे, कितना बचेगा यहाँ पे 10, है ना, 15 कम 15 10 25, 10 हो गया यहाँ पे। अच्छा थोड़ा सा इसमें से भागा दिए, 15 चौके 60, ठीक है 60 हो गया, और यहाँ है कितना 27, ठीक है, तो फिर कितना हो गया 60 27 बचा, तो 15 कम 15 यहाँ बचा आपका 12, यहाँ हो जाएगा 12 हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा फिर इसमें देखिए तो 15 चौके 60, अच्छा 15 कम 15 कितना बच गया यहाँ पे 14, है ना। अब इसको क्या कीजिएगा आप, सिंपली 10 से गुना कीजिएगा, 12 गुना कीजिएगा, 14 गुना कीजिएगा, और फिर 15 से आप भागा दीजिएगा, फिर क्या होगा आपका, इसको गुना कीजिएगा, इधर गुना कीजिएगा, फिर इसमें से भागा दीजिएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, गुना कर लेते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पे, तो देखिए तो यहाँ 120 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 12 14 में गुना कीजिए, 14 और 12 में गुना कीजिए, तो देखिए 12 चौक कितना होता है 48 होता है, हाथ में 4, अच्छा 12 12 12 कम 12 12 से कितना हो गया 16, 168 हो गया, तो 168 जीरो हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये जीरो आ जाएगा आपका, और फिर 15 से भागा देंगे आप, ठीक है। तो इसमें से भागा दीजिए आप, कितना होगा तो 15 कम 15, ठीक है बचा यहाँ 1, फिर कीजिएगा 15 कम 15 कितना बचेगा यहाँ पे 3, फिर 15 दूनी 30, यानी कि आपका रिमाइंडर जो क्या बचेगा यहाँ पे 0 बचेगा। अच्छा इस मेथड से हम किए, पॉजिटिव सब में लिए तो क्या आया मेरा 0 आया। अब हम इसको नेगेटिव लेके चलते हैं, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ कोशिश कीजिए आप, इसमें भागा दीजिए 15 से भागा दिए इसमें, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या आएगा, क्या सेम आंसर आएगा तो आपका प्रूफ हो जाएगा कि नहीं इस टाइप का भी यूज होता है। देखिए 15 से भागा 15 चौक 60 होता है, बच गया 25, तो अच्छा हम अगर 15 का 15 लेते हैं 10 बचता है, ठीक है। अगर हम 15 दूनी 30 लेते हैं तो क्या बचता है 25 है यहाँ पे सिर्फ, और 30 यानी कि -5 कितना -5। अच्छा यहाँ देखिए तो 15 चौक 60 बच गया 27, अच्छा 15 दूनी 30 है ना, 15 दूनी 30 कीजिएगा क्योंकि 27 यहाँ पे, तो कितना -3 कितना -3। अच्छा फिर यहाँ पे कीजिए तो 15 चौके 60, ठीक है यहाँ पे 29 हो गया, अच्छा 15 दूनी 30 यानी कि -1 है ना। अब आगे देखिए क्या है, -5 गुनी -3 गुनी -1, ठीक है बटे 15 रहने दीजिए, ठीक। अब देखिए माइनस गुनी माइनस प्लस प्लस गुनी माइनस माइनस, यानी कि आपका जो भी आंसर यहाँ पे आएगा वो क्या रहेगा माइनस में, ठीक है माइनस में रहेगा। अब गुना कीजिए 15 तिया 45 क्या होगा 15 तिया 45, ठीक है, और यहाँ पे भागा दीजिए अब, ठीक ऐसे। अच्छा अब देखिए तो कितना हो रहा है यहाँ पे, जो आपका हो रहा है 15 तिया कितना 45, क्या यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बच रहा है क्या, तो 0 पूरा पूरी कट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 15 तिया 45 की है, तो रिमाइंडर कुछ बच रहा है क्या यहाँ पे, तो 0 यहाँ क्या आ रहा है, आर बराबर क्या हो गया आपका 0, ठीक है। तो इसके पहले आंसर, इसके बाद वाला आंसर भले यहाँ नेगेटिव है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन पूरा पूरी कट जा रहा है ना, तो 15 तिया 45, ठीक है, तो क्या है आपका 0, यानी कि पूरा पूरी कैंसिल हो गया, ठीक है, जो कि आपका आंसर क्या हो गया 0 हो गया। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन नंबर क्या है, देखिए क्या है क्वेश्चन मेरा, देखिए 15 गुनी 23 बटे 8 है, ठीक है। देखिए इसको हम दोनों तरफ से बनाते हैं पहले, ठीक है, 8 8 8 अगर लीजिएगा, ठीक है, बच जाएगा क्या आपका यहाँ पे 7 बच जाएगा, ठीक है 7 बचेगा, ऐसे कर देते हैं पहले 8 8 8, ठीक है, तो 8 और 2 10 और 5 कितना 7 बच जा रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे 8 दूनी 16 16 16 और 4 20, और फिर यहाँ पे कितना बच गया आपका 7 बच गया, फिर इसको ऐसे कीजिएगा तो 7 गुनी 7 बटे 8 कीजिएगा, 7 7 49 होता है, 49 बटे 8 कीजिएगा, अच्छा 8 6 48 8 6 क्या होता है 48 है ना, और यहाँ कितना बच गया आपका 1, यानी कि r बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अच्छा इस मेथड से किए, पॉजिटिव लेके चले तो क्या हुआ 1 आया, अब इसको हम नेगेटिव ले चलते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर, ठीक है। देखिए यहाँ पे है मेरा 15, अच्छा 8 कम 8 8 दूनी 16 16 हम मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 15 है 16 ले रहे हैं, तो यानी कि -1 यहाँ पे लीजिएगा आप,
ठीक है, एक बढ़ा के लीजिएगा, जितना बढ़ाइएगा जितना बढ़ेगा उतना आपको नेगेटिव लेना है, ठीक है, अगर कम लीजिएगा तो पॉजिटिव आएगा, है ना। अच्छा, आठ आठ कम आठ दो सोलह, आठ दिया क्या होता है 24, यानी कि माइनस वन यहाँ भी आ रहा है। अच्छा आगे क्या हो जाएगा आपका कि माइनस वन गुनी माइनस वन बराबर क्या होता है, माइनस गुने माइनस प्लस होता है, और एक गुने एक बराबर एक, इसका भी आंसर एक आया ना, ठीक है। तो आप इस तरह से अगर लीजिएगा तो क्या होगा, आपका फास्ट बन जाएगा। और नेगेटिव लेने का एक कारण है क्योंकि आपको कम से कम लेना है रिमाइंडर, अगर ज़्यादा लीजिएगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसमें भागा देना पड़ेगा, फिर देना पड़ेगा, इस टाइप का हो जाएगा जो कि आपका कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। आप कोशिश कीजिएगा कि रिमाइंडर जो यहाँ पे है नेगेटिव में लाए या पॉजिटिव में लाए, उससे कोई हमको मतलब नहीं है, कोशिश कीजिए कि कम से कम डिफरेंस में लाएँ, कम लाएँ, ठीक है। अगर हम एक बार में ही लेते हैं आठ कम आठ तो कितना बच रहा है, सात बचना पड़ रहा है, क्योंकि गुना कीजिएगा फिर से भागा, अगर दो बार में ले लीजिए तो कितना माइनस वन गुना किया माइनस वन, जो कि काफी एक ही स्टेप में आपका आंसर यहाँ पे क्लियर हो गया। आगे हम बात करते हैं, इसके पहले थोड़ा सा हम बात करते हैं, अगर यहाँ पे है स्क्वायर के बारे में बात करते हैं पावर में, ठीक है, यहाँ जो आपका आएगा आगे पावर वाला, ठीक है, पावर में अगर रहेगा तो अगर हम आपको बात करें एक सेकेंड थोड़ा सा, अगर हम बात करें यहाँ पावर में, यानी कि अगर यहाँ पे 67 है, ठीक है, और यहाँ पे पावर में दे दिया है मान लीजिए आपका 64, कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे भागा हम देते हैं 68 से, ठीक है। अब देखिए तो ठीक है, इसमें से अगर भागा दीजिएगा इसमें, इसको पावर को अभी भूल जाइए, पावर को आप अभी भूल जाइए, इसमें से भागा दिए इसमें, तो 68 को भागा देंगे 67 से, भाग तो नहीं लगेगा, ठीक है। क्या कीजिए, इसमें से 68 में भागा आप दे ही दीजिए, ठीक है, बढ़ा के, तो आपका कितना माइनस वन जो कि है आपका ज़्यादा हो जा रहा है, तो माइनस वन इसको आप ऐसे कीजिए, ठीक है, और पावर क्या है आपका 64, ठीक है 64, ठीक। अब देखिए माइनस एक को आप अगर एक बार गुना कीजिएगा तो माइनस वन ही आता है, दो बार गुना कीजिएगा तो क्या होता है प्लस वन आ जाता है, ठीक है, फिर तीन बार करेंगे तो माइनस वन आएगा, चार बार में करेंगे तो क्या होगा प्लस वन आएगा, यानी कि अगर आपका पावर में यहाँ पे इवेन नंबर है, अगर ऐसे रहेगा माइनस वन गुने माइनस वन गुने माइनस वन गुने माइनस वन है अगर, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि प्लस आपका अगर इवेन रहेगा तो क्या होगा प्लस में आएगा, है ना, क्योंकि इवेन बार गुना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे है 64, यानी कि इवेन है तो माइनस वन 64 बार गुना करेगा, तो एक को आप कितने बार गुना कीजिएगा तो एक ही आएगा। अब हमको चेक करना है कि यहाँ पे इवेन है या ऑड है, यानी कि सम है या विषम है, अगर सम रहेगा तो प्लस में आएगा और विषम रहेगा तो माइनस में आएगा, तो प्लस यहाँ पे कितने गुना कीजिएगा वन आएगा, जो कि आपका क्या रहेगा, यहाँ अगर सम रहेगा तो आपका प्लस में आएगा आंसर, जो कि आपका आंसर होगा। अच्छा ये अगर ऐसे रहे फिर से, अगर यहाँ पे 69 रहा और यहाँ पे रहा 68 और पावर यहाँ पे क्या रहा 98, ठीक है। अब देखिए तो अगर यहाँ पे भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 69 में 68 से भागा दीजिएगा तो यहाँ पे रिमाइंडर एक आएगा। अच्छा एक का पावर 98, ठीक है, क्या होगा एक ही होगा, एक का पावर कितना रहेगा उसका आंसर हमेशा एक ही होगा। फिर से अगर क्वेश्चन ऐसे रहे कि 60 मान लेते हैं हम इसको 96 का पावर 95 और यहाँ पे दे देते हैं हम 107, ठीक है कुछ भी दे दिए हैं, इसमें से भागा देंगे यहाँ पे कितना आएगा रिमाइंडर एक आएगा। अच्छा एक का पावर 107, ठीक है एक का पावर 107, यानी कि एक में यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो वहाँ इवन रहे या ऑड रहे आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा, जो कि आंसर एक रहेगा। हमको तब देखना है इवन और ऑड जब नेगेटिव में रहेगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम आंसर दें, ठीक है ये आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा। अब आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे 64 ना होकर मान लीजिए रहे 97। अब ध्यान दीजिए इसमें से भागा देंगे 67 में 68 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस वन, यहाँ पे आपका रिमाइंडर आएगा, क्या आएगा रिमाइंडर, यहाँ पे शेषफल आपका माइनस वन आएगा। अच्छा माइनस वन सब में आएगा, ठीक है 67 को इसे लिखिएगा। मान लीजिए ऐसे रहता, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 67 का पावर 2 रहता और हम भागा देते 68 से, ठीक है तो क्या करते 67 को हम दो बार लिखते 67 गुने 67
67 गुणे 67 देते और भागा देते हम 68 से, तब क्या होता है यहाँ पे, तो माइनस वन यहाँ पे आता गुणे माइनस वन यहाँ पे आता है ना। तो इन द सेम वे यहाँ पे 67 गुणे 97 यानी कि 97 बार -1 गुणा -1 गुणा -1 तो हम सिंपली यहाँ पे लिखते हैं 97 इसलिए देते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पे माइनस में है और पावर आपका क्या है, ऑड है यानी कि विषम है, तो अगर विषम में रहेगा ठीक है, तो माइनस अगर माइनस में रहेगा तो क्या होगा, विषम में गुना करने के बाद आपका हमेशा नेगेटिव ही आता है। देखिए अगर -1 गुने -1 गुने -1 तीन बार रहेगा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, अच्छा अगर पांच बार रहेगा फिर यहाँ पर देखिए -1 गुने -1 फिर देखिए तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, अच्छा माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, माइनस में ही आएगा जो कि ऐसे। अच्छा अब देखिए आपका रिमाइंडर कभी भी जो है वो माइनस नहीं हो सकता, आपका रिमाइंडर कभी भी जो है वो माइनस में नहीं हो सकता है। इन केस जब कभी भी माइनस का यहाँ पे ऑप्शन आ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा रिमाइंडर के लिए, तो आर बराबर क्या होगा, माइनस वन प्लस जो कि आपका जिससे डिवाइड कीजिएगा वो कर दीजिएगा। अब इसको घटाइएगा तो 68 में माइनस वन ठीक है कितना बचेगा आपका 67 जो होगा आपका वो राइट आंसर होगा। इसको थोड़ा सा विस्तार कीजिएगा और नोट कीजिएगा ठीक है, एक क्वेश्चन जो कि पूछा गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस वन आएगा तो आपको माइनस वन आंसर नहीं छोड़ना है, रिमाइंडर कभी भी माइनस नहीं होता है, इसलिए क्या करना है आपको प्लस जो कि जिससे आप भागा दीजिएगा उसको प्लस कीजिएगा और फिर घटाइएगा, जो आएगा आपका आंसर वही होगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि है मेरा सेकेंड लास्ट। अब देखिए क्या है 67, आशा करते हैं फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ रहा हो, अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। अब देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे इंटू ना होकर प्लस आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं ठीक है, अगर यहाँ पे अलग अलग है तो इसमें अलग से भागा देंगे, इसमें अलग से भागा देंगे और जोड़ देंगे, इसके पहले हम गुणा कर रहे थे अब हम जोड़ देंगे, तो देखिए सेपरेटली पहले इसमें से भागा देंगे इसमें से ठीक है। अच्छा 68 है और 67 में भागा देंगे तो रिमाइंडर यहाँ कितना आएगा, तो माइनस वन आएगा ठीक है, माइनस वन। अच्छा पावर कितना है 67 ठीक है, प्लस यहाँ पे साइन है, अच्छा इसमें से इसमें भागा देंगे तो क्या आएगा, इसमें अगर इसमें से भागा देंगे 67 में 68 से भागा देंगे तो क्या होगा, माइनस वन रिमाइंडर यहाँ भी आएगा ऐसे ठीक है, बटे क्या हो गया मेरा 68। अच्छा अब ध्यान देने वाली बात है कि माइनस है यहाँ पे और पावर में क्या है, ऑड या इवन, ऑड है यानी कि विषम है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, माइनस में ही आएगा, तो माइनस वन ठीक है। अच्छा प्लस माइनस माइनस यहाँ की यहाँ भी माइनस ठीक है, अब क्या हो गया यहाँ पे माइनस आपका यहाँ देखिए जो क्या हो गया माइनस दो, अच्छा आपका रिमाइंडर कभी माइनस दो होगा क्या, ये कभी माइनस दो नहीं हो सकता है, आपको क्या करना पड़ेगा जिससे आप डिवाइड करते हैं उसको यहाँ पे जोड़ देंगे ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर 68 में दो चला जाएगा तो कितना बचेगा 66 जो कि आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, आशा करते हैं फ्रेंड्स क्लियर हो रहा होगा। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ठीक है, देखिए क्या है 39/40 यहाँ पे है पावर है फैक्टोरियल में दिया हुआ है आपका 93 ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमको इसमें से इसमें भागा दीजिए, आपका रिमाइंडर में क्या आएगा जो कि 40 है यहाँ पे 39 है, 39 में अगर हम 40 से भागा देंगे तो माइनस वन रिमाइंडर आएगा ठीक है, क्या आएगा माइनस वन रिमाइंडर। अच्छा अब हमको यहाँ क्लियर करना है कि फैक्टोरियल में क्या है 93, अब हमको यहाँ माइनस आ गया है, अब क्लियरिफाई करना है यहाँ पे कि ये ऑड है या इवन है। देखिए फैक्टोरियल 93 है, 93 अब ध्यान नहीं दीजिएगा फैक्टोरियल में है ठीक है, फैक्टोरियल का कुछ और मकसद होता है ठीक है। देखिए अगर हम आपको बोल दें कि फैक्टोरियल 4, ऐसे पिछले वीडियो में बताए भी थे कि फैक्टोरियल 4 का मतलब ये होता है कि आप 4 से शुरू कीजिए और लास्ट तक ठीक है, यानी कि 4 × 3 × 2 × 1 लास्ट तक आपको गुना करना है ठीक है। इसी तरह से अगर हम बोले कि फैक्टोरियल 5 तो कितना होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1 होता है, आप गुना कीजिए तो 5 × 20 20 + 60 60 × 120 कितना हो गया इसका 120।
अच्छा 4 3 12, 12 2 24, कितना हो इसका 24। अच्छा आप देखिए तो 5, अगर आप यहाँ पे आप 6 का भी कीजिएगा, अगर 6 का भी कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे 6 गुना हो जाएगा इसमें, 6 0 6 2 12, हाथ में 1 6 5 720, ठीक है। अगर 7 का कीजिएगा इसमें 7 गुना कीजिए, यानी कि देखिए आपका फैक्टोरियल अगर 5 से अगर ऊपर रहेगा, 5 से अगर ऊपर रहेगा तो लास्ट में जीरो एकदम स्वाभाविक है, लास्ट में क्या होगा जीरो रहेगा। मान लीजिए कुछ भी यहाँ नंबर रहेगा लास्ट में आपका जीरो रहेगा, कुछ यहाँ रहेगा आपका जीरो रहेगा। फैक्टोरियल 5 के बाद, ठीक है, 5 के बाद 6 का रहेगा फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 7 रहे, फैक्टोरियल 8 रहे, फैक्टोरियल 9 रहे, उसका लास्ट जो डिजिट रहेगा वो जीरो उसमें जरूर रहेगा, ठीक है। जो कि हम बताए थे आपको इसमें क्या कहते हैं नंबर्स ऑफ डिजिट, ये जीरो फाइंड करने वाले में आगे यूनिट डिजिट में बताए थे फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, कैसे होता है, ठीक है। अगर वीडियो नहीं देखें देख लीजिएगा आप लोग। देखिए अगर आपको हम बोले यहाँ पे, ठीक है, कि फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7 जो है ऐसे है, ठीक है, इसका लास्ट वाला डिजिट क्या होगा, एकदम लास्ट डिजिट उसका जीरो स्वाभाविक है, ठीक है, क्योंकि अगर हम 5 ही करें तो उसमें 120 आ जा रहा है। अब कितना रहेगा गुना करेंगे लास्ट में जीरो जीरो आना ही है। तो अब यहाँ देखिए, अब फैक्टोरियल 5 के बाद जो कुछ भी यहाँ पे आएगा लास्ट में जीरो रहेगा, और कोई भी नंबर अगर जीरो, मान लीजिए 150 40 170, अगर लास्ट में जीरो है तो वो क्या है, इवन या ओड? अगर लास्ट में जीरो है तो हमेशा वो क्या है, इवन है, यानी कि सम संख्या है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमको इसको गुना करके चेक नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत चेक गुना करने पर कोई फायदा नहीं, ऐसा नियम भी नहीं कहता है। आपको क्या करना है, सिर्फ फाइंड करना है कि ये पॉजिटिव, सॉरी, इवन है या ओड है, सम है या विषम है। तो हम यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं कि अगर फैक्टोरियल 5 से ज्यादा कोई भी नंबर अगर रहेगा तो वो सम आएगा, क्या आएगा, सम आएगा। तो यहाँ क्या आएगा, सम। तो माइनस अगर है यहाँ पे, और यहाँ पे सम है, तो आपका आंसर क्या होगा, प्लस में आएगा, 1 आएगा, और जो कि क्या रहेगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, जो कि आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1, ठीक है। आशा करते हैं फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।